हेलो एवरीवन, दिस इज अराफात एंड वेलकम टू वेबटेक। दोस्तों, जब भी हम कोई नया फोन खरीदने के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं लंबा सा लिस्ट, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो या फिर 20,000। हमें उस लिस्ट से चूज करना पड़ता है कोई एक फोन, हमें सर्च करना पड़ता है वेब में या फिर पूछना पड़ता है हमारे फ्रेंड्स को, भाई कौन सा फोन लेना चाहिए। दोस्तों, इस मुश्किल को मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए आपके लिए चुन चुन के लेके आए हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹20,000। यू कैन बाय फ्रॉम Amazon और Flipkart, ऑल द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगर आपको 10,000, 15,000 या फिर 6,000 के नीचे टॉप 5 फोन देखना है, वो वीडियोस आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए वेबटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाए, फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। नंबर 5, Vivo V7 Plus। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग द Vivo V7 Plus। इस फोन का जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स यहां पर देखने को मिलता है, इसका कैमरा। इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश एंड 24 मेगापिक्सल का मूनलाइट सेल्फी कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5.99 इंच का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो फुल व्यू HD डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 2.5D ग्लास के साथ। अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इस फोन में आपको फुल मेटल बॉडी मिलता है और अल्ट्रा थिन फ्रेम होने से वजह से इसका एजेस राउंड होने से ये और भी ब्यूटीफुल लुक देता है। बैक में फिंगरप्रिंट सही जगह पे प्लेस होने से वजह से ये और भी डिसेंट लुक देता है। अगर हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 450 का 1.8 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम, 64GB रोम एंड इस फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है जो आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3225mAh लायन नॉन लिवेबल बैटरी देखने को मिलता है जो आपको एक दिन तक बैटरी बैकअप दे सकते हैं। अगर हम OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको एंड्रॉयड नोगट 7.1 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। अगर हम प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 20,000 रुपीज में मिल रहा है, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 4, Xiaomi A1 Plus। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग द Xiaomi A1 Plus। इस फोन का जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स है इसका बैटरी एंड कैमरा, बिकॉज इस फोन में आपको देखने को मिलता है 4550mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जो आपको आराम से 2 दिन तक बैटरी बैकअप दे सकते हैं। साथ में आपको मिल जाता है फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 13+5MP का डुअल लेंस प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश, जिससे आप नेचुरली बुके इफेक्ट में फोटो खींच सकते हैं। इस फोन में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है विद सॉफ्ट लाइट फ्लैश के साथ, जिससे आप बहुत ही अच्छा सेल्फी ले सकते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इस फोन में आपको फुल मेटल बॉडी मिलता है, अल्ट्रा फिनिश एजेस की वजह से ये फोन बहुत ही अच्छा फील देता है। अगर हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मीडियाटेक का हेलियो P25 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो 2.6GHz पे बेस्ड है। इस फोन में आपको 4GB रैम मिलता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 256GB तक वाया माइक्रो SD कार्ड। फ्रंट में आपको अल्ट्रा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जिसे आप सिर्फ 0.2 सेकंड में अनलॉक कर सकते हैं। इस फोन में आपको एंड्रॉइड नोगट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इस फोन में आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलता है विद वेब्स, जिससे आपको बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर हम प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पे 16,000 रुपीज मिल रहा है, चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, Huawei Honor 9i। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग द Honor 9i। इस फोन का जो मेन हाइलाइटेड फीचर्स है इसका कैमरा, बिकॉज ये दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है। 13+2MP का डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा विद LED फ्लैश, जिसे आप बुके इफेक्ट में बहुत ही अच्छा सेल्फी ले सकती हो। अगर हम प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 16+2MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश, जिससे आप बुके मोड में बिल्कुल DSLR जैसे फोटोज क्लिक कर सकते हो। इस फोन में आपको 5.9 इंच का फुल व्यू HD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ। अगर हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात
करते हैं तो इस फोन में आपको किरिन 659 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो 2.36 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है। इस फोन में आपको 4GB रैम मिलेगा, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 128GB तक वाया माइक्रो एसडी कार्ड। इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 3340mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलता है जो आपको एक दिन तक बैटरी बैकअप दे सकता है। अगर हम OS एंड UI की बात करते हैं तो इस फोन में आपको EMUI 5.1 इंटरफेस देखने को मिलता है विद Android Nougat 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इस फोन में आपको फुल मेटल यूनिक बॉडी मिलता है, अल्ट्रा फिनिश एजेस मिलता है 8:9, फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से बहुत ही प्रीमियम फील होता है। बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो काफी रिस्पॉन्सिव है। अगर हम प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 18,000 रुपीज में मिल रहा है, चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये फोन अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। नंबर 2, Infinix 05 Pro। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग Infinix 05 Pro। 20,000 के अंदर अगर आप एक कंप्लीट पैकेज फोन लेना चाहते हो तो ये फोन आप ले सकते हो, बिकॉज इस फोन में आपको 6GB रैम मिलेगा, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 120GB तक वाया डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट में। मतलब इस फोन में आप दो सिम कार्ड प्लस एसडी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको 5.99 इंच का फुल एचडी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 2.5D कार्व ग्लास के साथ। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 12+13MP का डुअल लेंस प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश जिसे आप वाइड एंगल प्लस टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम में फोटो क्लिक कर सकते हो। इस फोन में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद फ्रंट फ्लैश के साथ जिसे आप पोर्ट्रेट मोड में बहुत ही डिसेंट सेल्फी ले सकते हो। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 4350mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलेगा जो आपको दो दिन तक बैटरी बैकअप दे सकते हैं। साथ में आपको देखने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग का फीचर्स विद USB टाइप सी पोर्ट के साथ। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको MediaTek का Helio P25 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है। अगर हम OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको Android Nougat 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इस फोन का डिजाइन आप देख सकते हो, फुल मेटल बॉडी मिलता है, अल्ट्रा फिनिश एजेस मिलता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले होने की वजह से बहुत ही प्रीमियम फील होता है। बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो काफी रिस्पॉन्सिव है। अगर हम प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 20,000 रुपीज में मिल रहा है, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग Redmi Note 5 Pro। पिछले साल इंडिया में Redmi Note 4 ने तो धमाल मचा के रखा था, अब आ चुका है उसके बड़े भाई Redmi Note 5 Pro। इस फोन में आपको फ्रंट में 20MP कैमरा मिलेगा। गाइस, अब कैमरा सेल्फी लेके तो मजा आ ही जाएगा। इस फोन में आपको रियर में 12+5MP का डुअल कैमरा मिलेगा जो बिल्कुल iPhone 10 की तरह लुक देता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5.99 इंच का 18:9 फुल HD प्लस डिस्प्ले इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिलेगा विद 6GB एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको 4000mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप मिलेगा। ऑफ कोर्स बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ काफी प्रीमियम लुक देता है और एजेस राउंड होने के वजह से ये और भी ब्यूटीफुल लग। अगर हम प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर फ्लैश सेल पे मिल रहे हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस रखा गया है 17,000 रुपीज, चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप कोई टॉप 5 फोन में से कोई एक फोन लेना है तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगी, या फिर दोस्तों आप मुझे सजेशन दे सकते हैं अगर आपको लगता है इस टॉप 5 फोन के अंदर, इस 5 लिस्ट के अंदर और भी कोई फोन ऐड होना चाहिए था तो उसका नाम आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दो। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, ताकि कोई भी फोन अगर लेना चाहे तो इस वीडियो को देख के वो टॉप 5 फोन में से कोई एक फोन ले सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय।